अक्सर जब आपत्ति आती है और उसके परिणाम से हम पीड़ित होते हैं तो हम दर्द को समाप्त करने के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं ताकि वो हमें पीड़ा से मुक्ति दिलाए, बिना ये पूछे कि इसमें उसकी क्या योजनाएं हो सकती हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन पिछले कुछ दिनों से हम एक सुंदर गीत इट्स वेल विद माय सोल पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गीत एक सफल वकील और धनी जमींदार हिरोशियो स्टैफर्ड द्वारा लिखा गया था, जो 1871 की ग्रेट शिकागो फायर और उसके बाद आने वाले आर्थिक पतन के माध्यम से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उनका बेटा पहले ही मर चुका था लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करते रहे और उन्होंने इंग्लैंड में डीएल मूडी की आत्मिक सभा की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी और चार बेटियों को पानी के जहाज से भेजा, जबकि वो स्वयं अमरीका में काम संभाल रहे थे। लेकिन उनका जहाज डूब गया, चारों बेटियां मर गईं, केवल उनकी पत्नी अन्ना बच गई। अकल्पनीय दुख, उन घटनाओं को पलटा नहीं जा सकता। चाहे वो कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, फिर भी वो अकेले ही अटलांटिक के पार जाने के लिए जहाज पर चढ़े और अपनी दुखद यात्रा के दौरान इन शब्दों को लिखा, मेरे लिए ये मसीह हो, ये जीवित रहने के लिए मसीह हो। यदि मेरे ऊपर यर्दन भी बह जाए कोई वेदना नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु में जीवन की तरह, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर देगा। होरेशियो ने सीखा था कि जब हम मसीह को अपना सब कुछ बना लेते हैं, चाहे हम पर कुछ भी हो, यीशु हमारी आत्मा को अपनी शांति की फुसफुसाहट से भर देता है और ठीक वही होता है जिसकी उसने योजना बनाई होती है। बाइबल में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 में, यह प्रभु जो शांति का स्रोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। और आज आपसे मेरी यही प्रार्थना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर क्या विपत्ति आती है, क्योंकि मसीह में आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी आत्मा को अपनी शांति से भर देता है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।